हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जय, स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे आज के 11 सितंबर करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करने के साथ, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे व्हाट्सअप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसके लिए आपको हमें इन नंबर पर मैसेज करना है, और टेलीग्राम के द्वारा आप पुरानी सभी जो वीडियो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने और अपने संन्यास को तोड़ने के लिए जो है बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? तो किस क्रिकेटर ने लिखी है? वो लिखी है युवराज सिंह ने। जी हाँ, युवराज सिंह ने जो है बीसीसीआई को अपने संन्यास को तोड़ने के लिए चिट्ठी लिखी है, और फर्स्ट जो क्लास क्रिकेट है उसमें दोबारा खेलने के लिए इच्छा जाहिर की है। युवराज सिंह ने पिछले साल जो है जून में क्रिकेट के सभी जो प्रारूप है उनसे अलविदा कह दिया था, और वे भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। युवराज सिंह संन्यास लेने के बाद कनाडा टी ट्वेंटी लीग और T10 लीग में हिस्सा ले चुके हैं। युवराज सिंह ने भारत के लिए 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 जो है T20 मैच खेले हैं। आगे देखें फटाफट में रिविजन देखें क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो किसमें किया गया? वो किया गया हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया, तो वह है जयप्रकाश रेड्डी का। किस देश ने कोरोना का जो टीका है उसको आम जनता के लिए जारी कर दिया? तो वो क्या, रूस ने। स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसको जो है आम जनता के लिए जारी कर दिया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किया? तो वह 9 राज्यों में। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के हिसाब से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? तो वो होगी 50 करोड़ रुपये। भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G जो तकनीक है उस पर काम कर रहा है? तो वह इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ये काम कर रहा है 5G तकनीक पे। दो नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो किसके किया? वो क्या, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के स्वनिधि संवाद जो प्रोग्राम है स्ट्रीट वेंडर्स, उनके साथ जो है उन्होंने संवाद किया। भारत सरकार ने COVID-19 से प्रभावित जो गरीब स्ट्रीट वेंडर से उनको आजीविका फिर से शुरू करने की मदद के लिए जो है 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत थे, उनमें से लगभग 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो है 140 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत की गई थी। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे मतलब है जो रेडी लगाते हैं बाज़ार में, जो रेडी लगाने वाले या पटरी लगाने वाले हैं उनको जो है स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सीमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की जो है घोषणा की है? तो वह 16% की, जो 16% है वो रियायत देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। इस राज्य में श्रीमेक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से की गई 2.50 रुपये प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। यह छूट पहले से घोषित 2 रुपये प्रति मानक घन मीटर की छूट के अलावा होगी। क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। हाल ही में किस देश ने की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु एसोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक जो है अभियान शुरू किया है? तो किस देश ने किया है? वो क्या है, बांग्लादेश सरकार ने। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए एसोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसलिंग की एलाइड सिटी परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएगी। इस उद्देश्य के लिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म
दुर्बार 21 और ORG मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टर भूमि कवर करने का जो है लक्ष्य रखा है? तो वह 16 लाख हेक्टर का, कितने का? 16 लाख हेक्टर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज पर आयोजित वेबिनार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2019-20 में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाने से 11 लाख जो किसानों को लाभ हुआ है। माइक्रो एरिगेशन फंड कॉफर्स की स्टीयरिंग कमेटी और नाबार्ड ने राज्यों में 3,805.67 करोड़ जो रुपये है वह ऋण की जो परियोजना उसको मंजूरी दी है, जिनका क्षेत्र कवरेज कितना है? 12.53 लाख हेक्टर इसका जो है कवरेज है। आगे देखेंगे जो आज का सवाल है, 11 सितंबर का जो आज का सवाल है वो देखेंगे। सवाल क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के ऊपर रखने की जो है घोषणा की है? तो किस एयरपोर्ट का जो नया नाम है भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने? ऑप्शन आपके लिए है अयोध्या एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, झांसी एयरपोर्ट या बरेली एयरपोर्ट। अपने जो राइट आंसर है वो नीचे दे कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं के जो नाम है अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। त्रिपुरा ने सिफाई जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जल मार्ग को खोल दिया है? तो वह किसके साथ खोल दिया? नेपाल, सॉरी बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जो अंतर्देशीय जल मार्ग है उसको खोल दिया है त्रिपुरा के सिपाही जिला के सोनमुरा से। यह जल मार्ग भारत में अगरतला से लगभग कितना है 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चटगांव के डोंगड़ी से जोड़ता है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसमें गोमती नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई है। इस प्रोटोकॉल पर पहली बार 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे, अंतिम बार 2015 में 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था। समझौते का प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? तो किस पुरस्कार के लिए गया? वो है नोबल शांति पुरस्कार के लिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, अभी तक शेयर नहीं किया तो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के लिए जो नोबल शांति पुरस्कार है उसके लिए नामांकित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी के सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग एजेंट ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। उन्होंने ये इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका देखते हुए किया है। बता दें कि ट्रिबिंग ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। आगे देखेंगे पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या था कि वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर जो है एक कंपनी बनाई, उसका क्या नाम रखा है? तो उसका क्या नाम रखा है? उसका नाम रखा है VI। VI जो है उसका संयुक्त नाम रखा गया है वोडाफोन और आइडिया का। आज की जो मोटिवेशन लाइन है वो देख लेते हैं। मोटिवेशन लाइन है कि जीवन में ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता होती है जो आपकी बुराइयों को बता सकें, यानी आपके जीवन में जो है ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है जो आपकी बुराई है वो आपके सामने समक्ष बता सकें। पिछले वीडियो का जो सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम है उनमें पहला नाम है मानसी गुप्ता, दूसरा नंबर है जयंत शर्मा का, तीसरा है नैन्सी गुप्ता का, उसके बाद है तनु बिष्ट, सुमन जहां, दुर्योधन साय, अभिषेक राज, अंकुश कुमार, सुधांशु कुमार, कुशाल पांडे, दिनेश मीना, रोहित कुमार, निरंजन रजाक, प्रदीप जोशी, नारायण लाल, ऋतिक रोशन, निशी शर्मा, रामदीप म्योरा, आर अंसारी, अंगद यादव, विजय चौहान, सुनील कुमार, सपना कुमारी, विकास ठाकुर, नितिका सिंह, सुभाष कुमावत, अरविंद सिंह, अरविंद जी, राहुल कुमार, प्रकाश बावरी और
प्रभात रंजन जी, आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना। उम्मीद करें वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप हमारे जो नदी घाटी परियोजना का जो संबंधित वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है उससे संबंधित जितने भी इफेक्ट और जो क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम के लिए, वो इस वीडियो के अंदर आपको बताए गए हैं डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और आप हमारे प्रणब मुखर्जी के जो संबंधित जो वीडियो बनाए गए हैं उनकी जीवनी पर, वो भी देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपको धम्बल दिखाई दे उस धम्बल के द्वारा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।